स्वरूपेण यथास्थितासि अपां स्वरूपा स्थितया त्वयि तद् दाप्यायते कृष्ण बलंग्यवीर। दीप शिक्षा का जले हर बच्चा स्कूल चले, हो सवेरा मिटे अंधेरा, एक नया अभियान है। पंजाब के सरकारी स्कूल विश्व स्तरीय सुविधाओं से संपन्न हो रहे हैं, आप भी अपने बच्चे का दाखिला जरूर कराएं। बेहतर शिक्षा, बेहतर परिणाम, सरकारी स्कूल पंजाब का मान। रामपुर बुरशहर के समीप दत्तनगर में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने 21 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले कोल्ड स्टोर की आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने दत्तनगर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के साइंस ब्लॉक की भी आधारशिला रखी, जिस पर 2.5 करोड़ की लागत आएगी। इस कोल्ड स्टोर के निर्माण से जहां आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा, वहीं बागवानों को अपने फलों का भंडारण करने की सुविधा भी मिलेगी। इसकी क्षमता 1,25,000 पेटी यानी 2500 मीट्रिक टन फलों को रखने की होगी, जिसमें 5 जिलों किन्नौर, स्पीति का क्षेत्र, शिमला का रामपुर क्षेत्र, कुल्लू का आनी निर्मंड, मंडी जिले के करसोग का ऊपरी क्षेत्र इसका लाभ उठा सकते हैं। इस कोल्ड स्टोर के निर्माण से किसान बागवान अपनी फसलों को मंडी में दाम गिराने की सूरत में भंडारण करके ऑफ सीजन में निकाल कर बेच सकते हैं। इसमें लोगों को फल भंडारण के लिए सरकारी सामान्य दरें रहेंगी। ये स्टोर जो है हमारी कांग्रेस की जब सरकार बनी और पहले बजट में अनाउंस हुआ था कि हम जो है 8 सीए स्टोर में, अब एक और की माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। और ये जो दत्तनगर का सीए स्टोर है, ये जो है एचपीएमसी के माध्यम से इसका निर्माण किया जाएगा यहाँ पर, और करीब जो है 21 करोड़ की लागत इसमें अनुमानित है और करीब 2 लाख पेटियां जो है इसमें स्टोर किया जाएगा। ये कब तक बनकर तैयार होगा? क्या इसको पूरा फाउंडेशन रखा है और जल्द से जल्द इसका निर्माण कार्य शुरू है। सर, एक और साइंस ब्लॉक भी यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है। सर, जनता जनार्दन को, भाई नंदा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। विशेषकर आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है, जैसे भी नेगी जी ने कहा, जो हमारे वर्तमान वित्तीय वर्ष में हमने जो 8 आपके सीए स्टोर्स पूरे हिमाचल प्रदेश में प्रस्तावित किए थे, उसका पहली जो आधारशिला रखी जा रही है वो रामपुर क्षेत्र में रखी जा रही है। और निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा एप्पल ग्रोइंग एरिया है और शीघ्र इसका निर्माण आपका प्रारंभ होगा और इसका बहुत लाभ मैं समझता हूँ स्थानीय हमारी जनता जनार्दन को, हमारे किसानों बागवानों को मिलेगा। और साथ ही साथ हमारे रामपुर क्षेत्र के जो 2 महत्वपूर्ण आपके सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, जो पीछे भी मेरा दौरा था इस क्षेत्र का, उस वक्त मांग आई थी कि हमारे दत्तनगर और हमारा जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामपुर है, दोनों जगह आपके साइंस ब्लॉक बने। और उसी सोच के साथ हमने इसके लिए बजट का प्रावधान करके दोनों जो आपके दोनों आपके साइंस ब्लॉक आपके दत्तनगर और रामपुर में बनेंगे, लगभग कोई 2.5 करोड़ के बनेंगे, जिसके लिए वित्तीय प्रावधान भी किया जा चुका है। और वर्तमान वित्तीय वर्ष में जहां इसके लिए लगभग कोई 26 लाख का प्रावधान किया गया है, और जो 1 अप्रैल के बाद आपका दूसरा 24-25 का जो वर्त आपका आगामी वर्ष आएगा, उसमें भी 25 लाख का प्रावधान किया गया, लगभग कोई 51 लाख के आसपास आपका दत्तनगर के लिए प्रावधान किया गया, और इतना ही अमाउंट हमारा आपका सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामपुर के लिए किया गया है। और इसके अधीन आपके में समता दोनों कार्यों के टेंडर लगाए जा सकते हैं और शीघ्र इसका भी लाभ हमारे बच्चों को मिलेगा। सर, आज काफी ऐतिहासिक दिन है कि 2 कैबिनेट मंत्री आज। पंजाब केसरी टीवी के लिए रामपुर से विशेषर नेगी की रिपोर्ट।